तो गाइस आज हम बात करने वाले कि कस्टम फॉन्ट कैसे आप ऐड कर सकते हो अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है या जो भी आपका पसंदीदा ब्राउज़र हो। उसके बाद गाइस आपको सर्च करना है dafont.com। तो गाइस मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए। सो मेक श्योर कि आप जब भी फॉन्ट डाउनलोड कर रहे हो प्लीज़ यहाँ से डाउनलोड किया करो, और 100% यहाँ पर गाइस आपको फ्री मिलेगा फॉन्ट, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया यहाँ पर फॉन्ट अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ से ही डाउनलोड किया करो। एंड देन गाइज मैं जो भी मेरे को पसंद आ रहा है मैं वो फ़ोन डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड देन सेम आपको यही करना है, जो आपको पसंद आता है डाउनलोड कर लेना फ़ोन, मतलब फ़ोन डाउनलोड कर लेना। एंड गाइज आपको बता दूँ कि यहाँ से डाउनलोड होने के बाद ये जिप फाइल में डाउनलोड होता है फ़ोन। तो इसको अनजिप करने के लिए आपको प्ले स्टोर से RAR एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, या आपके फ़ोन में एक्सट्रैक्ट फाइल या डिकम्प्रेस फाइल का फीचर्स दे रखा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी मैंने फ़ोन डाउनलोड करा है, ये सब जो भी मैंने फ़ोन डाउनलोड करा है वही फ़ोन है। तो इसको मैं डिकम्प्रेस कर लेता हूँ, ओके, और ये टॉलरेंट वाला डिकम्प्रेस कर लेता हूँ मैं, और इसको आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इन दोनों को आपको कॉपी कर लेना है, ओके, और आपको पिक्सआर्ट वाला फाइल में जाना है। तो आपको पिक्सआर्ट का फाइल एक बना हुआ मिल जाएगा, तो उस पर टैप करके फॉन्ट पे टैप करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो पिक्सआर्ट के एप्लीकेशन में आपको ये फॉन्ट मिल जाएगा, वहाँ पे ऐड हो चुका है। तो आपको दिखा देता हूँ मैं, और अगर यहाँ पे डार्क मोड हो चुका है तो थोड़ा बहुत आपको नहीं दिख सकता, तो आप प्लीज़ गौर से देखना। तो यहाँ पर टेक्स्ट में मैं गया, एंड यहाँ पर आपको नाम वगैरह अपना टाइप करके दिखा देता हूँ मैं, अभी आर्यन, ओके, और आपको माय फॉन्ट में जाना है, और यहाँ पे टॉलरेंट का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, मतलब टॉलरेंट वाला फॉन्ट अवेलेबल हो गया, आप ये देख ही सकते हो। तो ऐसे ही आपको ऐड करना है। तो आई होप कि आपको ये वाला वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करो, एंड देन चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करो ताकि वो लोग भी देख के सीख सके कि कस्टम फॉन्ट कैसे ऐड किया जाता है अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। ओके, और भी आपको मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। तो फिर से आपको डिकम्प्रेस करना है जिस मतलब फाइल को आपको ऐड करना है। तो मैं चॉपस्टिक वाला यहाँ पे डिकम्प्रेस कर लेता हूँ, और आप ये देख सकते हो चॉपस्टिक है, इसे याद रखना चॉपस्टिक है, और इसे कॉपी करना है आपको। एंड देन पिक्सआर्ट वाला फाइल ओपन करना है आपको, एंड देन फॉन्ट में जाके इसे पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे टेक्स्ट में आया मैं, और फिर से मैं अपना नाम टाइप कर अभी आर्यन, एंड देन आपको माई फॉन्ट में जाना है, और यहाँ पर चॉपस्टिक सबसे ऊपर है, आप देख सकते हो। तो ये चॉपस्टिक फॉन्ट अवेलेबल हो गया, तो आपको ऐसे ही ऐड करना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बी हैप्पी एंड मेक एवरीवन हैप्पी। आई होप आई ब्रॉट योर स्माइल। होल्ड मी क्लोज टिल आई गेट अप, टाइम इज